Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifi study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें academy पे follow कर सकते हैं. Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो कि होती है डेली करंट अफेयर की, जिसके अंदर अपन काफी कुछ ये डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है. और हमेशा की तरह आज भी यही करने वाला है. और आज मैं बिल्कुल ऑन टाइम हूँ और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ऑन टाइम होंगे. और जल्दी से दोस्तों, सारे अपने दोस्तों को शेयर वेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, सभी पे, ताकि अपने जो दोस्त हैं सभी, जिनको पता नहीं है क्लास के बारे में, वो भी क्लास अटेंड कर सके. हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास साथ में, उसके बाद में चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन पे. और साथ में आपको पता है ना कल क्या है, कल सुबह 8 बजे अपन जो करंट अफेयर है वो नहीं करेंगे, और एक दूसरा वीडियो है जो कि अपन डिस्कस करेंगे, जो कि होगा किस आधार पे अपना वोट दें. तो किस आधार पे आपको अपना वोट देना है उसके ऊपर बातचीत करेंगे. हालांकि एमपी के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं, मतलब हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी है, बाकी स्टेट है, उसके अंदर आपके बहुत काम आएगा वीडियो, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में. पहला क्वेश्चन था यहां पे शहीद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जो कि समीर वर्मा ने जीती है. ये कौन से स्पोर्ट्स की है? ये बैडमिंटन से बिलोंग करती है ना, मतलब बैडमिंटन की ट्रॉफी है. तो आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच गवर्नमेंट लॉन्च पोर्टल फॉर स्पॉटिंग लोकेशन ऑफ क्लस्टर बसेस? किसने किया था? न्यू दिल्ली ने किया था. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा. 26 नवंबर ऑब्जर्व्ड एज, तो 26 नवंबर को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है और साथ में वर्ल्ड मिल्क डे भी होता है. बर्थडे होता है वर्गीज कुरियन का, द फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन एंड द फाउंडर ऑफ द अमूल. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना. तो मिल्क डे नहीं होगा, ये वाला होगा, नेशनल मिल्क डे होगा, है ना, क्योंकि अपने अमूल जो अपने वर्गीज कुरियन है वो अपने देश के थे. तो सी आपका, ए और सी आपका सही आंसर है. नेक्स्ट की बात करें दुधवा नेशनल पार्क की, तो ये कौन से स्टेट में है? ये उत्तर प्रदेश में. तो सी आपका सही आंसर है. हु विल बी प्रेजेंटेड विद द IEEE स्पेशल अवार्ड? IEEE स्पेशल अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है सलीम खान जी को, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उस चीज को लेके, है ना. तो आंसर क्या होगा? सलीम खान. सी आपका यहां पे सही आंसर है. विच कंट्री विल होस्ट द 2019 लॉरेंस अवार्ड? तो कुछ दिन पहले अपन ने पढ़ा था, मोनाको जो है वो इसको होस्ट करने वाला है. नेक्स्ट, डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान, तो फाउंडेशन स्टोन किसने रखी है? वेंकैया नायडू जी ने रखी है. तो आपका ए सही आंसर है इसका. विच म्यूजिक डायरेक्टर हैज कंपोज्ड द ओडिशा मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2018 एंथम? तो हॉकी वर्ल्ड कप आपको पता है स्टार्ट हो चुका है, और ए आर रहमान जी ने जो सॉन्ग है, थीम सॉन्ग है, उसको कंपोज किया है. तो आपका सी सही आंसर है. द 2-day 21st राउंड ऑफ इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बॉर्डर टॉक हेल्ड इन डैश चाइना, तो डुजियांग नाम से जगह है चाइना में, वहां पे जो है इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बॉर्डर टॉक जो है वो यहां पे कराई गई है. अब देखते हैं दोस्तों आपका कोड ऑफ द डे क्या है. ये है, हाउ मेनी मंडेज हैव बीन एंड गॉन सिंस यू सेड आई विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, टेक एक्शन स्टार्ट टुडे. कितने सारे मंडे हैं जो कि ऐसे निकल चुके हैं, जिसमें आपने सोचा होगा, बोला होगा कि यार मंडे से करने वाला हूं, मंडे से स्टार्ट करने वाला हूं, मंडे से मैं इतने घंटे पढ़ूंगा. कितने मंडे निकल गए और आप हमेशा ऐसे बोलते रहते होंगे. तो दोस्तों ऐसा मत करिए, टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम से ज्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. और टाइम कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, चाहे आप एक मंडे को के लिए बोल लो, चाहे आप 100 मंडे के लिए बोल लो, वक्त ऐसे निकलता जाता है. तो टेक एक्शन एंड स्टार्ट टुडे, आज से स्टार्ट करें. ये मैं सोचे मैं मंडे से ही करूंगा, करना है तो फिर करना है. कल भी अपन ने बात करी थी, या तो करना है या फिर नहीं करना है, डोंट गिव इट ए ट्राई.
ठीक है, ट्राई नहीं देनी है कि चलो ठीक है एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। ऐसे कोशिश करोगे तो कभी काम नहीं होगा, एक बार बहुत अच्छे तरीके से काम करना है ताकि जो भी अपन चीज करना चाहते हैं उसके अंदर अपन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे, अपना 100% दे, और 100% देने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है ना कि यार मैंने मेरा बेस्ट दिया, अब हुआ तो हुआ वरना कोई बात नहीं, लेकिन वो 100% देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वो दीजिए और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो दोस्तों। अगर अभी तक भी आप अपनी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं लेके गए हो जो कि लेवल पे लेके जाना चाहिए यार, आपको काम ही क्या है पूरे दिन के अंदर, पढ़ाई करने का तो काम है ना, तो वो अच्छे से करो यार। और उम्मीद करता हूं कि आप आज से स्टार्ट करेंगे, अपना एक अच्छा स्केड्यूल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप ऐड करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट पेज की। फर्स्ट पेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर की है कि उन्होंने स्ट्रेस किया है कि थोड़ा सा और ऑटोनॉमी जो है ना वो सेंट्रल बैंक को मिलनी चाहिए। अभी आपको पता है ना कुछ दिन पहले एक बहुत लंबी मीटिंग हुई थी अपने गवर्नमेंट के बीच में और साथ में आरबीआई के बीच में, तो काफी चीजों को लेकर क्लैशेस थे और सारा का सारा मैंने डिस्कशन भी किया था आपसे आपके साथ में, तो उसी चीज को लेकर इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा ऑटोनॉमी हमें और मिलना चाहिए साउथ में। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नंबर डोंट लाए, साउथ इंडिया का सबसे ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो सबसे बड़ा जो रीडर्स के पास में पहुंचता है वो द हिंदू है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर कुछ दिन पहले बोला था कि भाई नोट बैन होने से काफी फार्मर को नुकसान हुआ है, वो रिपोर्ट वापस ले ली गई है और एक फ्रेश रिपोर्ट भेजी गई जिसके अंदर बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो ये तो गवर्नमेंट का वो है। इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर जो है वो उसमें काफी पॉसिबिलिटीज है ऐसा सिद्धू ने यहाँ पे कहा है। इसके अलावा कई सारे शेल्टर होम्स है जिसकी सीबीआई जांच कर रही है बिहार के अंदर, और भी आपको पता है कि एक केस हुआ था यहाँ पे शेल्टर होम के अंदर उस वजह से। और तो कुल मिला के अगर फर्स्ट पेज की बात करूं दोस्तों तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि अपने को यहाँ पे देखना जरूरी है। आगे देखते हैं, ठीक है, और एक कुंदन का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कुंदन। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर तीन पे। पेज नंबर तीन की बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले तक क्या था कि जो बांग्लादेश के सिटीजन है ना वो लद्दाख सिक्किम यहाँ पे उनको जाना अलाउ नहीं था। अलाउ इन द सेंस कि आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी वीजा के लिए, न्यू दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ेगी और मेजरली उसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है ना वो रिजेक्ट कर दी जाती थी। जैसे कि लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सारी जगहों पे जो है वो बांग्लादेशी सिटीजन को अलाउ नहीं करते थे, है ना। और यहाँ पे कभी पॉलिटिकल कल्चर एक्टिविस्ट थे तो उन्होंने भी यहाँ पे अप्लाई किया था, वो लोग दार्जिलिंग जा रहे थे घूमने के लिए, फिर उन्होंने सोचा सिक्किम जाए, लेकिन सिक्किम में उनको अलाउ नहीं किया गया, विदाउट परमिशन जाना अलाउ नहीं है। और तो इस चीज को लेके बातचीत करी गई है कि अब कुछ एक मेडिकल एलिमेंट है उसको प्रोवाइड करने के बाद में आपको अलाउ कर दिया जाएगा सिक्किम लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में भी। एक्चुअली क्या सिक्किम लद्दाख अरुणाचल प्रदेश ये ऐसी जगह थोड़ी की ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी टफ है वहां पे और हर किसी को पॉसिबल नहीं है वहां पे थोड़ा सर्वाइव करना, तो इस वजह से जो बांग्लादेश और ये जो बाकी लोग हैं बाकी जो है ना अपने आसपास के जो जैसे म्यांमार हो गए बांग्लादेश हो गए तो इनको थोड़ा सा मुश्किल होती है वहां पे, तो बांग्लादेश के सिटीजन को अलाउ नहीं कर रखा था लेकिन अभी अलाउ हो जाएगा। तो कई सारे नए वीजा सेंटर्स ओपन करे गए हैं और उनके अंदर बोला गया है कि भाई अब जो नए इशू करेंगे उनके अंदर आपको अलाउ कर देंगे। तो आपसे पेपर में पूछे कि बताइए सिक्किम या लद्दाख आइलैंड जाने को लेकर कौन से देश के सिटीजन को रिसेंटली अलाउ किया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बांग्लादेश आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अमित जांगरा जी बोल रहे हैं राफेल डील के बारे में बताना। अमित जी देखिए एक्चुअली कल का जो वीडियो है जो कि मैं आपको दे रहा हूं इलेक्शन का लेकर कि किस आधार पर अपना वोट दे, वो एक्चुअली देखो मैं किसी भी गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज करने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट या पास्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूं, और लेकिन एक सिटीजन के पास में क्या पावर है और उस पावर का सही यूज कैसे कर सकते हैं अपन बातचीत करने वाले हैं, है ना। कुल मिला के बात यह है कि जो अगर मिनिस्टर्स होते हैं जो पहले थे आज है या आने वाले टाइम पे होंगे सारे वही लोग हैं जो अपन ने ही तो चुन के भेजा यार, ऐसे तो है नहीं कि वो ऑटोमेटिकली आसमान से या अमेरिका से किसी ने भेजे हैं, अपन ने ही तो चुन के ऊपर भेजा है, तो अपन ही चुनने में ही गलती होती है अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है, चाहे प्रेजेंट की बात करें चाहे पास्ट की बात करें या कभी भी बात करें, ठीक है ना। तो अगर अपन वोट ही अगर अपन सही आदमी को देंगे तो फिर ऐसी गलतियां होगी नहीं, तो किस आधार पे अपना वोट देना चाहिए वो अपन कल डिस्कस करेंगे सुबह 8 बजे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और कल का वीडियो कल सुबह का, है ना, और ताकि अपने कम से कम एटलीस्ट 10-15 हज़ार बच्चे लाइव हो और उसके बाद में एटलीस्ट कम से कम मिलियन बच्चों तक तो ये वीडियो पहुंचना चाहिए कल का, तभी जाके फायदा होगा उस वीडियो का, है ना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज की, पेज नंबर 6 की। पेज नंबर 6 की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो
तो बीएचयू के जो चांसलर है ना वो कौन बनाए गए हैं, मदन मोहन मालवीय जो है उनके ग्रैंडसन है, उनको बनाया गया है, ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय के जो ग्रैंडसन है उनको बनाया गया। तो ये यहां पे न्यूज है। फॉर्मर इलाहाबाद हाईकोर्ट जज भी रह चुके हैं गिरिधर मालवीय, उनको इलेक्ट किया गया है चांसलर किसके, बीएचयू के, ठीक है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। तो एक्चुअली अगर कोई और होता तो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हाँ मदन मोहन मालवीय जो है उनके ग्रैंडसन को बनाया गया है इस वजह से, जो कि फाउंडर थे बीएचयू के, तो इस वजह से जो है ये ज्यादा न्यूज है, थोड़ी ज्यादा हाईलाइट हो गई है। 1916 के अंदर आपको मालूम होगा कि 1916 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, और वाराणसी के अंदर है ये लोकेशन, उत्तर प्रदेश वाराणसी के अंदर है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और काफी फेमस रहा है, मतलब काफी बड़े बड़े जो काफी बड़े बड़े लोग हैं जो कि यहाँ से पढ़ के निकले हैं, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो है ना एशिया के अंदर, वो भी सबसे बड़ी इसी को कहा जाता है कि जो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है एशिया की सबसे बड़ी, ऐसा कहा जाता है कि वो बीएचयू ही है। तो काफी फेमस रही है अपने काम को लेकर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इसरो के बारे में कि इसरो ने एक और अपना पीएसएलवी से लॉन्च किया है सैटेलाइट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसएस की, एच वाई एस आई एस, ठीक है। ये क्या है, कंट्री की पहली क्या है, हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई गई है। इसको लॉन्च किया गया है 30 छोटी छोटी सैटेलाइट के साथ में, जो कि विदेशी कंपनियों विदेशों की है। तो पीएसएलवी C43 कौन सा है, पीएसएलवी C43 के द्वारा इसको भेजा गया, यह बात आपको ध्यान रखनी है पहली बात तो, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दुनिया में सबसे एक्यूरेट लॉन्च व्हीकल है अपना, सबसे ज्यादा कम पैसे के अंदर सैटेलाइट को भेजने वाला अपना ये वाला लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी। तो हाइसिस का काम क्या है पहले ये समझ लो, ये अपन ने जो भेजी है ना सैटेलाइट हाइसिस, इसका काम क्या है, ये दोस्तों क्या करेगा, अर्थ को ऑब्जर्वेशन के काम आएगा। एक्चुअली मैं पहले जो अपन टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो इतनी ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करती चीजों को, ठीक है, इंडिया को स्पेस के थ्रू देखने पे। लेकिन अभी जो ये टेक्नोलॉजी है इससे काफी ज्यादा अपने, अगर मैं डिफेंस की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात करूं, लैंड के यूज करने की, तो कई सारे पैरामीटर्स है जिसमें इंडिया का जो डेटा है ना ये काफी अच्छे से निकाल के देगा अपने को। तो इसी चीज को लेकर इसको भेजा गया है, ठीक है, पहली बात तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसके अलावा बात करें यहां पे तो पीएसएलवी C43 मिशन है, मैंने आपको बताई दिया। इसके अलावा और भी कई सारे देशों की है इसके अंदर, 30 को पैसेंजर्स है, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट है 100-100 किलो की, कई सारे सैटेलाइट है, कोई 10-10 किलो की सैटेलाइट है, कुछ यूके की है, कुछ यूएस की, कैनेडा, मलेशिया, नीदरलैंड, इन सबकी सैटेलाइट है, स्पेन की है, इन सबकी अपन भेज रहे हैं ना। और इसको कौन लेके आया, बुक कौन करता है, बाहर की सैटेलाइट एंथ्रेक्स कॉर्पोरेशन, अपने एक प्राइवेट आर्म है जो कि बाहर की सैटेलाइट, अगर किसी को सैटेलाइट भेजनी है ना तो क्या करना पड़ेगा, एंथ्रेक्स से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंथ्रेक्स बोलेगी कि भाई ठीक है हम 10 करोड़ 100 करोड़ के अंदर आपकी सैटेलाइट है उसको भेज देंगे, आप हमें इतना पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से एंथ्रेक्स क्या करता है, काम करता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हाइसिस का काम क्या है। इसरो ने इसको डेवलप किया है, पिछले 5 सालों से इसके ऊपर काम कर रहा था, काफी हाई डेफिनेशन स्टडी अर्थ के सर्फेस की जो है वो करेगा ये, ठीक है ना। नियर बाय 400 किलो का इसका वेट है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पेपर में एक सवाल इसमें से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पेज नंबर 10 की, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने बोला है कि हमने हाफिज सईद को बैंड कर रखा है, लेकिन हालांकि रियलिटी तो आप सभी को मालूम ही है। इसके अलावा यहाँ पे प्रीस्ट है, उन्होंने बोला है कि वीएचपी जो है वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है पॉलिटिक्स में, बीजेपी को लेके आने को लेकर। इसके अलावा यहाँ पे बस पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का मुद्दा है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि मोदी जी के लेकर है, और वो जी से यहाँ पे एरिस के अंदर मीटिंग करेंगे, ठीक है, साइडलाइन में किसकी, G20 समिट के। तो G20 समिट के बारे में आपको बताइए कि G20 है जो कि होने वाला है, अभी कहां होने वाला है, ये होने वाला है अर्जेंटीना के अंदर, एरिस के अंदर जो उसकी कैपिटल है ना वहां पे होने वाला है, ठीक है ना। अब G20 क्या है, इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट की, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, कई सारे देशों के अंदर, इंडिया भी इसका एक मेंबर है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन हो गया, रशिया हो गया, साउथ अफ्रीका, कोरिया, मतलब काफी बड़े बड़े देश है इसके अंदर। 1999 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था G20 को। ओके, और इसका एम क्या है कि हम डिस्कस करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि कैसे दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है उसको लेकर हम डिस्कशन करें।
तो G20 के अंदर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ओके वो सारे यहां पे आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की भी मीटिंग होती है, फॉरेन मिनिस्टर की भी मीटिंग होती है ना। तो इस तरीके से यहां पे पूरी चीजें देखी जाती है। और इस बार की कहां पे होने वाली है, ये एरिस के अंदर होने वाली है, इसके साइडलाइन के अंदर ही अलग से जो है वो इंडिया और चाइना के जो हेड है वो भी यहां पे मीटिंग करेंगे। तो यहां पे ये थोड़ा सा मुद्दा है। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो G20 की मीटिंग है वो यहां पे होने वाली है, इंपॉर्टेंट अपने लिए ये ज्यादा है। बाकी सब तो चलो ठीक है, वो तो होती रहती है बाकी सब। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स के ऊपर। आपको पता है कल से स्टार्ट हो चुका है अपना इनॉग्रेशन जो है वो हो चुका है, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है किसके अंदर, हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, एक्टर शाहरुख खान है और बाकी सारी जो टीम है उनके जो कैप्टन है उनके साथ में यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो आपको मालूम होगा दोस्तों आज तक भारत एक ही बार वर्ल्ड कप जीत पाया है। हॉकी वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज तक भारत जो है वो एक ही बार जीत पाया है, जो कि 1975 के अंदर कोलालंपुर के अंदर भारत ने जीता था। वहीं पाकिस्तान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम रही है, पाकिस्तान ने 4 बार जो है इस टूर्नामेंट को जीता है, वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम पाकिस्तान रही है। नीदरलैंड 3 बार जीत चुकी है। सबसे ज्यादा गोल जो है वो पॉल है लिटजेंस, उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर मारे हैं, 26 गोल मारे हैं, है ना। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसने गोल मारे हैं और सबसे ज्यादा भारतीय टीम है जिसने खाए हैं आज तक गोल, ठीक है। तो ये डाटा है, सबसे पहली बार हुआ था 1971 में जब भी पाकिस्तान ने जीता, उसके बाद 73 नीदरलैंड, फिर इंडिया में जीता। तो इस तरीके से लास्ट जो 2014 के अंदर जब हुआ था, हर 4 साल में होता है, 14 में जब हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था इस टूर्नामेंट को, ठीक है ना। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे हम आयरन मैन की, आयरन मैन कम्स टू इंडिया। तो आयरन मैन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और इनसाइट के बारे में कल मैंने आपको बताया था ना, मार्स के ऊपर भेजा है नासा ने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, है ना। तो ये तो अपन ने कल डिस्कस कर ही लिया था। अभी यहां पे बात करते हैं आयरन मैन की। अभी देखिए दोस्तों 20 अक्टूबर 2019 को वर्ल्ड की 127वीं आयरन मैन 70.3। एक्चुअली आयरन मैन होती क्या है, वन डे, दुनिया का टफेस्ट वन डे इवेंट होता है, दुनिया का टफेस्ट वन डे इवेंट है जो कि होता है, जिसके अंदर क्या करना होता है कि 4.2 किलोमीटर आपको स्विम करना होता है, साथ में 180 किलोमीटर आपको भागना होता है और 180 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी होती है, ठीक है, और 42 किलोमीटर के समवेयर आपको रनिंग करनी होती है और सारे के सारे आपको 17 घंटे के अंदर करने होते हैं, है ना। तो ये पहले इंडिया में नहीं होती थी और अभी इंडिया के जो पार्टिसिपेंट है वो भी इसमें बढ़ गए, पहले 2 थे फिर 4 हो गए, अभी लास्ट ईयर तो अपने काफी लोग थे, मतलब 40 के समवेयर थे। तो इसलिए डिसाइड किया आयरन मैन ने कि आयरन मैन कम्युनिटी ने कि वो अब इंडिया के अंदर गोवा के अंदर जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाएगी। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 के अंदर अक्टूबर के अंदर ये गोवा के अंदर होने वाला है और उम्मीद करते हैं, यहाँ पे एक स्टार्टअप है दीपक राज और रुद्र प्रसाद के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो उन्होंने इनके साथ में कोलैबोरेशन किया है, योशिका उसका नाम है। और यहाँ पे एक्चुअली जो करवाई जा रही है वो हाफ मैराथन करवाई जा रही है, यानी कि 70.3 है ना उसकी जो है ना हाफ, जिसके अंदर 2.1 किलोमीटर आपको 1.9 किलोमीटर स्विम करना होगा, 90 किलोमीटर की बाइक राइड होगी, 21 किलोमीटर की रनिंग होगी, तो ये सारी चीजें है ना तो इसके अंदर करनी होगी। चलिए तो ये सारी चीजें हैं जो कि पेपर में आ सकता है आपसे कि आयरन मैन जो है नेक्स्ट वो इंडिया में कौन से शहर के अंदर करवाने को लेकर बातचीत हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और कई सारे प्रोफेशनल्स होंगे इंडिया इंटरनेशनल लेवल के, कई सारे एथलीट होंगे जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और करेंगे, हमेशा आयरन मैन में करते हैं, तो आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वो रोमानिया की बात करते हैं। रोमानिया स्ट्रांगली सपोर्ट्स इंडियाज प्रपोजल इन UN फॉर CCIT। तो रोमानिया ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया है इंडिया के प्रपोजल को यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है, फॉर CCIT। ओके, CCIT क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं उसके अंदर कि एक इवेंट है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। रोमानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने एक जनरल एग्रीमेंट जो है टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने को लेकर और जो भारत ने जो प्रपोजल दिया है UN के अंदर काउंटर टेररिज्म को लेकर, रोमानिया स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। 1996 के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, ये भारत ने ड्राफ्ट किया था, UN के अंदर ड्राफ्ट किया था 1996 के अंदर कि टेररिज्म को बैन करने को लेकर, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने को लेकर, उन देशों को फंडिंग नहीं करने को लेकर जो कि टेररिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर एक कन्वेंशन था जो कि डाला गया था, तो उसको रोमानिया ने क्या किया, स्ट्रांगली सपोर्ट किया है, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि पूरी दुनिया को टेररिज्म के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। रोमानिया की बात करें तो
ठीक है, रोमानिया की जो कैपिटल है वो है बुधा, यहाँ पे बुकारेस्ट, और करेंसी जो है वो क्या है, लियोस की करेंसी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें आदि महोत्सव की, तो देखिए आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज करवाया गया ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा दिल्ली के अंदर भी, आदि महोत्सव, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, काफी बच्चों को पता है रोमानिया की कैपिटल, फॉरेन मिनिस्टर न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई है, बिल्कुल सही है। और सीसीआईसी से है ना, बिल्कुल, पंकज सिंह ने भी पूरा का पूरा इसके बारे में बता दिया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ट्राइबल की अपन बात कर रहे थे आदि महोत्सव की, तो जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है उसने ऑर्गेनाइज करवाया गया है ये फेस्टिवल, किसके द्वारा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कल्चर उसने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, न्यू दिल्ली के अंदर इसको करवाया गया है। इतनी सी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। और अभी औरम जी मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, औरम जी है, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था ये। हौसला जो है उसको इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली के अंदर, हौसला 2018 नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, हौसला 2018 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन है अभी हेड, मेनका गांधी जी, तो उन्होंने इसको जो उनकी सेक्रेटरी है राकेश जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया हौसला को, और ये कहां पे कराया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एक्चुअली के अंदर इवेंट जो है वो सब जगह करवाया गया, मतलब कुल मिला के एक फेस्टिवल है न्यू दिल्ली के अंदर तो हुआ ही है, और इसके अलावा इसको प्लानिंग करी जा रही है कि पूरे देश में इसको धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करा जा सके। थीम क्या है, चाइल्ड सेफ्टी इस साल की थीम है, चाइल्ड सेफ्टी जो है वो इस साल की थीम है ना। और निशांत जी के समझ में नहीं आया, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिनको समझ में नहीं आया, देखिए एक बच्चों को लेकर चाइल्ड केयर कि किस तरीके से बच्चों को ध्यान रखा जाए, बच्चों को केयर किया जाए, इसको लेकर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट फेस्टिवल है उसको वो स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है हौसला 2018, किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जो सेक्रेटरी है इसके, ठीक है, और मिनिस्टर कौन है अभी, डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर कौन है, मेनका गांधी जी है, ओके। और इवेंट के थीम क्या है, चाइल्ड सेफ्टी इसकी थीम है, और न्यू दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं, देख, और पैसा पोर्टल लॉन्च, तो पैसा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है, पैसा का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट, ठीक है, सबवेंशन एक्सेस, तो ये है जो कि इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है पैसा नाम से। ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन्स टू बेनिफिशियरीज अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो एक्चुअली के अंदर क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि जो बैंक है लोन देते हैं बेनिफिशियरीज को, उन सब के अंदर मदद मिल सके। तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है, ठीक है, उन्होंने नाम दिया है ये पैसा, तो इसको लॉन्च किया गया है, डिजाइन और डेवलप किया गया इलाहाबाद बैंक के द्वारा, जो कि इसका नोडल बैंक भी है, सारे जितने भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, और सभी इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं, आरआरबीज है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी जो है वो इसके बोर्ड के ऊपर आए और उसके ऊपर साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रसंस्करण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच जो है वो तैयार किया गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वोट वाली वीडियो सोमेंद्र कल मिलेगी आपको, कल सुबह 8 बजे, आज तो वोटिंग है एमपी के अंदर, मुझे पता है सर, काफी बच्चे बोल रहे हैं। और किरण जी बोल रही है पेड टेस्ट सीरीज के लिए, और किरण जी यार जब आपको ऑलरेडी फ्री के अंदर मिल रहा है तो आप क्यों पीछे बैठ रहे हो यार, पे क्यों कर रहे हो, जब आपको ऑलरेडी काफी सारे टेस्ट है और संडे को आपको मिल रहे हैं। सुन अपन प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके लिए जो एक टेस्ट है वो एक हफ्ते के अंदर 2 या 3 टेस्ट भी आपको दे, ताकि एक महीने के अंदर नियर बाय आपके 12-15 टेस्ट दे सकते हो आप आराम से, है ना। 12-15 टेस्ट अगर आपको एक हफ्ते में देखने, एक महीने में मिल रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट सीरीज के लिए पे करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप किस, चाहे और वाईफाई सीरीज से बेस्ट टेस्ट सीरीज के है भी नहीं, ठीक है। तो आप पे करने के बजाय जो आपको अभी जो संडे को आपका टेस्ट होगा आप वो वाला दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ हफ्ते के अंदर अपन प्लान कर रहे हैं और काफी सारा जो आपको टेस्ट है वो मिल जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम के हो, ठीक है ना। और साथ में आप सभी को मालूम है दोस्तों पटना मीटअप को लेकर कि वाईफाई स्टडी की जो टीम है वो आ रही है पटना मीटअप के अंदर 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे और एसके मेमोरियल हॉल के अंदर। तो अगर आप पटना में रहते हैं तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं वाईफाई स्टडी टीम से, और साथ में अपने करियर रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और अभी लेश कुमार आर्मी से है दोस्तों, और अपने एक आर्मी पर्सन है, और अपना जो शो है ये वो देखते हैं, उनको काफी पसंद आता है।
तो बहुत अच्छी बात यार, अगर अपने देश के जवान है अगर उनको भी पसंद आ रहा है, इसका मतलब वाकई में कुछ अच्छी बात हो रही है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो एक हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे देख लेते हैं एक्चुअली के अंदर है क्या इसके बारे में, किस चीजों के बारे में बातचीत करी गई है इस प्रोग्राम के अंदर। देखिए प्रीति सुदान है जो कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है अभी, तो उन्होंने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, कोई भी डिजीज जो है ना उसका सर्विलेंस जो है वो कर सके, इसको लेकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है। 7 राज्यों के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है, और रियल टाइम डाटा जो होगा ना वो प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी चीज को पता करने को लेकर, और मॉर्बिडिटी को लेकर, मोर्टैलिटी को लेकर, डिजीज जो अपने देश में बढ़ रहे हैं, बर्डन जो बढ़ रहा है उसको लेकर, तो रियल टाइम डाटा प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ कितने देश के अंदर कौन से मरीज हो रहे हैं, कौन से डिजीज के हो रहे हैं, कितना कम कर पा रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा सर्विलियंस जो है ना वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है, समझ गए, 7 राज्यों के अंदर इसको इनिशियली लॉन्च किया गया है, और इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि इंडिया और चाइना ने अमेंड किया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी होती क्या है कि कोई भी चीज अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूएसए से इंडिया के अंदर कोई सामान लेके आ रहा हूं, तो मुझे एक बार टैक्स यहां पे भी देना पड़ रहा है, यहां पे भी देना पड़ रहा है। तो एक्चुअली जब आप ट्रेड करते हो तो ये डबल टैक्सेशन को आप अवॉइड करते हो हमेशा। भारत बहुत सारे देशों के साथ में ये ट्रीटी है, ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, तो एक ही जगह पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है इसके अंदर, है ना। तो भारत और चीन ने भी क्या किया है इस टैक्सेशन के ऊपर, क्या किया है, थोड़े से अमेंडमेंट जो है वो यहां पे करे गए हैं। तो ये देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं, अवॉइड कर रहे हैं डबल टैक्सेशन को, प्रिवेंशन कर रहे हैं जो फिस्कल इवेजन हो रहा है, ठीक है, और रेस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के टैक्सेस को ऑन इनकम। तो यहां पे कुछ एक चेंजेस जो कि करे गए हैं, और कुल मिला के यहां पे अगर आपसे पेपर में पूछेंगे तो सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि कौन से देश के ने अभी रिसेंटली अपने देश के साथ में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस सिस्टम है उसके अमेंडमेंट थोड़े से करे हैं। तो ये चाइना होगा, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब अपन चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश ने आज अपन बात करेंगे मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की अपन बात कर चुके हैं, सबसे पहले अपन ने बात करी थी सिक्किम की, फिर अपन ने बात करी अरुणाचल प्रदेश की, फिर असम की करी, फिर अरुणाचल की करी, कल अपन ने नागालैंड की करी थी, और आज अपन मणिपुर की बात करने वाले हैं, फिर अपन देखेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, फिर मेघालय, इस तरीके से अपन पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर कर लेंगे। आज अपन मणिपुर के बारे में बात करने वाले हैं, आप बॉर्डर देख सकते हैं इसकी, बॉर्डर किस किस से टच हो रही है, आसाम से तो सारे राज्यों की होती है नॉर्थ ईस्ट के, इसके अलावा मिजोरम हो गया, और साथ में आप नागालैंड, और साथ में म्यांमार। एक चीज मैं थोड़ा सा करेक्शन करवाना चाहता हूं दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने शायद आपको जब मैं सिक्किम के बारे में और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि सिर्फ ये दो ही देश हैं जिनकी 3 कंट्री के साथ में बॉर्डर जो है वो टच होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलावा वेस्ट बंगाल और JNK, इन दोनों राज्यों की भी जो बॉर्डर है ना वो 3 कंट्रीज से टच होती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं अरुणाचल मणिपुर के बारे में, मणिपुर की कैपिटल जो है वो इम्फाल है, चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है, वो है बीरेन सिंह, गवर्नर कौन है, नजमा हेप्तुल्ला, लैंग्वेजेस मणिपुरी, यहाँ पे मेथाई काफी चलती है। बॉर्डर की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है बॉर्डर जो टच होती है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16 है, एयरपोर्ट है एक छोटा सा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट जाती आती नहीं है, लेकिन हाँ आसाम से अगर आपको जाना है तो आप आसाम से कनेक्टिविटी है, ठीक है, आसाम से तो कनेक्टिविटी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रिज मोहन जी, हाँ एक यहाँ पे जो आपके लिए फैसिलिटीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपके लिए कोई है ना चार्जेस है या ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बच्चे पासेस को लेकर पूछ रहे हैं, तो आप आ सकते हैं ना, पासेस आपको वहां पे ही हैंड टू हैंड मिल जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्री है वहां पे, मतलब पासेस की ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आओगे तो मिल जाएंगे वहां पे, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें यहां पे तो ट्राइब्स की, तो कुकीज और नागास ट्राइब बड़ी फेमस है यहां पे। इसके अलावा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर तो बस ये दो ही नाम है जो कि पेपर में आते हैं, इसके अलावा बाकी आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। रिवर की बात करें तो रिवर में से ऐसे कोई भी फेमस नहीं है जो कि पेपर में पूछी जाए, ठीक है, तो फिर भी आप देख सकते हैं बारक रिवर फिर भी ठीक है, बारक रिवर फिर भी ठीक है, नागा हिल्स में इसकी लोकेशन है, और बाकी सब तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा डैम्स की बात करें तो डैम्स भी कुछ ऐसा नहीं है, सिंगदा डैम फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, सिंगदा ही नदी है और उसी के ऊपर डैम है। नेक्स्ट बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है,
यहां पे लॉकटक लेक एंड केमफुल लैम्जो, लॉकटक लेक एंड केमफुल लैम्जो, और यहां पे एक बच्चा है कुमावत, उसका सीबीटी 1 है एएलपी का एग्जाम, उसमें जीए के अंदर उसके फुल में से फुल मार्क्स आए, तो कांग्रेचुलेशन सक्षम, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके अंदर भी आपके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस होगी। तो इनके बहुत अच्छी बात है, सीबीटी 1 एएलपी के अंदर जीए के अंदर इनके पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं ना 100%, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी प्रिपरेशन अभी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और जयपुर से बिलोंग करते हैं, जयपुर के सांगानेर में रहते हैं ना। चलो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, और भी बहुत सारे अपने वाईफाई स्टडी के बच्चे हैं जो कि देश के बहुत सारे एग्जाम है जो कि निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है यार, एक रिवोल्यूशन है जो कि क्रिएट हुआ है ऑनलाइन जियो की वजह से। तो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, मणिपुर लॉकटेक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉकटेक लेक हो गया, केमफुल लैम्जो नेशनल पार्क हो गया, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, अगर कोई बोलता है ना आपसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है तो वो केमफुल लैम्जो नेशनल पार्क ही है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लॉकटेक लेक जो है वो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, काफी बच्चों को शायद पता नहीं होगा, कुछ एक को शायद पता होगा जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है पहले वाईफाई स्टडीज है, कि जो अपने जो काओ होती है ना दोस्तों, उसके होते हैं चार स्टमक, जैसे एक अपने ह्यूमन बॉडी है, अपन ह्यूमन बॉडी के तो अपने एक स्टमक होता है, लेकिन काओ की बात करें तो चार स्टमक होते हैं काओ के पास में। अब आप पूछेंगे सर ये चार स्टमक किस काम के होते हैं, चार स्टमक से? ठीक है, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ काओ का, कि देखिए काओ कभी भी कोई चीज स्वेल करती है ना, तो उसके जो ये वाले दो स्टमक है इसके अंदर वो फूड जो है वो स्टोर होता है, रूमेन के अंदर और रेटिकुलम के अंदर, और वो कभी भी जब चू करती है चबाती है तो फिर जो उसका बचा वाला जो वो वाला जो फूड है वो यहाँ पे स्टोर होता है, समझ रहे हो, और उसी से ये वाला स्टोर से ही इसके जो मिल्क है वो जनरेट होता है और बाकी से उसके जो न्यूट्रिशन है वो पूरे होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि 6 से 7 घंटे काओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने के अंदर जो है अपना टाइम स्पेंड करती है, मतलब जो टाइम अपन सोने में लगाते हैं उतना टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ काओ जो है वो क्या करती है, खाना खाने में लगाती है। ठीक है, तो एक ये छोटा सा फन फैक्ट था, उम्मीद है एग्जाम में अगर कभी आएगा कि काओ के कितने स्टमक होते हैं तो आप भी बिल्कुल आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। चलते हैं दोस्तों हमेशा की तरह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है रोमानिया की कैपिटल आपको बतानी है, रोमानिया की कैपिटल। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने आदि महोत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट है हौसला 2018 क्या है। हौसला क्या है। नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नेक्स्ट कौन अपॉइंट होने वाले हैं। कल ही पढ़ा था मैंने आपको, अभी कौन है, ओपी रावत जी है ना, मैंने आपको एक चीज बोली थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको ध्यान रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ये आपको ध्यान रखना है, जो कि अभी रिप्लेस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अगले महीने। चीफ विजिलेंस कमिश्नर आपको याद रखना है कौन है, केवी चौधरी जी, और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर भी आपको ध्यान रखना है कौन है, माथुर जी, कृष्णा माथुर। ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस बैंक ने पैसा वेब प्लेटफॉर्म को डिजाइन और विकसित किया है। पैसा वेब पोर्टल के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट बात करें इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स के पहले संस्करण में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के कौन चुने गए हैं यह आपको बताना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस भारतीय स्मारक को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे ज्यादा दौरा किया जाने वाला स्थान घोषित किया है। सबसे ज्यादा टाइम तक दौरा करने वाला, सबसे ज्यादा बार दौरा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना है। कार्यकाल क्या होगा, 2020 से 25 के बीच में। इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइंड एंटी टेरर पैक्ट टू हेल्प ईच अदर इन कॉम्बैटिंग टेरर। कौन से देश के साथ में भारत ने किया है ताकि जो आतंकवादी गतिविधि है उसको रोकने को लेकर और एक दूसरे की मदद करने को लेकर।
ठीक है। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपने सेशन एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। और कल सुबह आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मुश्किल से 10-15 मिनट अपन डिस्कशन करेंगे लेकिन वो इतना इफेक्टिव डिस्कशन होगा कि आपको एक रियलिटी की चीजें सामने आएगी कि एक्चुअली में अपना जो वोट है वो किस आधार पर देना चाहिए और किस पैरामीटर्स पे देना चाहिए, किन चीजों से हमें बचना चाहिए, आजकल किस तरीके से पूरे के पूरे जो अपनी मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, उसके थ्रू जो है चीजें जो है वो काफी इनरेलीवेंट चीजें सामने आ रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन बातचीत करेंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय। और साथ में जो पटना में रहते हैं बच्चे उनको, उनसे मिलने वाले हैं 1 तारीख को सुबह 9 बजे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।